हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम। गाइस मैं हूं अरुणा और आज बनाने वाली हूं मैं एक बड़ी इजी और सिंपल सी रेसिपी, रेड सॉस स्पेगेटी। तो यहां पर सबसे पहले मैंने पानी बॉईल करने रख दिया है कढ़ाई में और थोड़ा सा उसमें नमक डाल देंगे। और जितने लोगों के लिए आपको स्पेगेटी बनानी है उतना आप इसमें डाल दीजिए बॉईल होने के लिए। मैंने दो लोगों के हिसाब से रखी है और इसको हमें अच्छे से बॉईल करना है, तो 12 से 15 मिनट लग जाएंगे इसमें इसके अच्छे से बॉईल होने में। तो यहाँ पर मैंने व्हीट स्पेगेटी का यूज़ किया है, होल व्हीट स्पेगेटी। और स्पेगेटी बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है हमारी। अब मैंने एक सेम कढ़ाई में थोड़ा सा बटर ले लिया है। आप इसमें ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल में भी ये बना सकते हैं, जो भी आपका प्रेफरेंस है, पर यहाँ पे आज मैं बटर में बना रही हूँ। और उसमें मैं एक चम्मच लहसुन डाल रही हूँ, चॉप्ड लहसुन है, बहुत बारीक चॉप किया हुआ है मैंने। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से लहसुन को एक दो मिनट तक, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से बटर में आ जाए। तो काफ़ी अच्छे तरीके से भून गया है ये। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस जो होता है, तो यहाँ पर मैं फन एंड फूड्स का यूज़ कर रही हूँ पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस। तो 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच पानी भी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, मेरे पास ये सूखा हुआ ओरिगैनो रखा है तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग जो होती है वो इसमें डाला है, और चिली फ्लेक्स डाला है मैंने आधी छोटी चम्मच के करीब। और नमक मैंने बहुत कम डाला है, क्योंकि हमने स्पेगेटी बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, तो नमक का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जो बॉइल्ड स्पेगेटी है अब वो मैंने इसमें डाल दी है सारी। और अच्छे से हम इसे मिक्स लेंगे, ताकि जो सारा मसाला है वो स्पेगेटी के ऊपर बहुत अच्छे से आ जाए। और इतना इजी है ये स्पेगेटी रेड सॉस बनाना, और ये बहुत टेस्टी लगती है बनने के बाद, खाने के लिए बहुत यम लगती है। तो ये बहुत फटाफट बनने वाली चीज़ है, कभी भी आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या बनाएं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। होल व्हीट स्पेगेटी ही यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को एक बार। परफेक्ट। और थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर यानी हरा धनिया आप इसके ऊपर डाल दीजिए। वैसे आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई भी वेजिटेबल्स डालें। शिमला मिर्च है या गाजर है, बेबी कॉर्न्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी स्पेगेटी बन के बिल्कुल रेडी है, और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए एंड इन्जॉय। बहुत टेस्टी बनी है ये। तो गाइज ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए उसको। तो मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।